हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री सुजीता। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने कुछ बनाया हुआ है फिगर में। तो एनवायरनमेंट के चार कंपोनेंट्स मेनली होते हैं। पहला है क्या, एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फेयर, फिर बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर, जो हमने यहाँ पे शो किया है। यहाँ की चीजें भी हम आपको भी दिखा मतलब बता रहे हैं, दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन उतनी है नहीं। ठीक, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर है एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या हम देखते हैं, मेनली वेदर एंड क्लाइमेट, जो हमने यहाँ पे लिखे क्या, वेदर एंड क्लाइमेट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या हमारा, कि हमारा मौसम कैसा है। क्लाइमेट क्या है, कि जहाँ का जलवायु कैसा है। ठीक, बात लगभग सेम लगती है लेकिन है नहीं। ठीक, तो वेदर एंड क्लाइमेट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। और अगर हाइड्रोस्फेयर देखें, कि हाइड्रोस यानी वाटर का क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, तो आप देख रहे होंगे ये हमारा वाटर बॉडी है, ओशन सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है और ये भी हमारा ओशन का ही पार्ट है। इतना सारा पार्ट हमारा ओशन का पार्ट है। ओशन सर्कुलेशन यानी कि कई सारे एक दो ओशन क्या होते हैं, ओशन आपस में मिले हुए रहते हैं, तो वही ओशन सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक, जैसे अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिलती रहती है, तो उसी को हम ओशन सर्कुलेशन भी कह देते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, ओशन सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पे। तो वाटर हमारा क्या कर रहा है, वाटर का हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर का क्या रोल है हमारा, वाटर यानी वेपराइज हो रहा है यहाँ पे। सनलाइट के प्रेजेंट में वाटर हमारा इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, कि वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी वेपर आप इवेपोरेशन को वाष्पीकरण कह सकते हैं, यानी वाष्प के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में ये जाता है कहाँ पे, आप कह सकते हैं आकाश में, ये एनवायरनमेंट में वेपर के फॉर्म में जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं कि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जो क्लाउड यहाँ पे लगभग, तो वही इतने में अगर हम देखें तो वाटर वेपर के फॉर्म में जाता है और वेपर से फिर प्रिसिपिटेशन यानी लिक्विड के फॉर्म में फिर वाटर भी आ जाता है। वाटर बॉडी से वेपर के फॉर्म में जाता है, फिर प्रिसिपिटेशन के माध्यम से वाटर फिर से वाटर में ही आ जाता है, यानी बूंदों के रूप से यहाँ पे फिर से आ जाता है। यानी कि हाइड्रोस्फेयर में आप इतना ही देख सकते हैं कि वाटर यहाँ से जाता है फिर आता है, जाता है फिर आता है, यानी कि ऐसे इसका चक्कर चलता रहता है। अब कैसे आता है वो तो हम आगे देखेंगे थ्योरी में। तो ये वेपोरेशन से जाता है और फिर प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो ये था हमारा हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम देखें वेदर एंड क्लाइमेट यहाँ पर मेन रोल करता है। अगर हमारे बायोस्फेयर में, बायोस्फेयर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो इवेपोरेशन करके वेपर मतलब वेपराइज होकर वाटर जाता है, तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। क्लाउड देखिए यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, इसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रिसिपिटेशन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे बायोस्फेयर में हम क्या देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड फ्लो ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है, बायोस मतलब लिविंग स्फीयर्स, फोटोसिंथेसिस यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो ये वो है मतलब माउंटेन है ये वाले हमारे, थोड़ा आइस वाला माउंटेन है। और यहाँ पे क्या है, ये लैंड एरिया है हमारा। ठीक, लिथोस्फेयर ये लैंड एरिया हमारा है, ऊंचे खाल मतलब इस तरह से, कहीं कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इस तरह से ये लैंड एरिया है। तो यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे, प्लांट्स होंगे तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करेंगे, सनलाइट को अब्जॉर्ब करेंगे, फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा एंड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी होगा उनके अंदर। उनके अंदर क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो एनर्जी बनाएंगे लीफ में, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से लेंगे, वो सॉइल के थ्रू वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वहाँ पर भी फ्लो होता है। तो बायोस्फीयर में ये भी आप ले सकते हैं कि वाटर का फ्लो एंड न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो सॉइल के माध्यम से प्लांट्स में होता है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये भी हमारा बायोस्फीयर के अंदर आता है। ठीक, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक वाटर बॉडी, ये भी एक हमारी वाटर बॉडी है और ये हमारी वाटर बॉडी यानी ओशन है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये रिवर के माध्यम से यहाँ से आपस में ये मिल रहा है। ठीक, ये यहाँ से वाटर गया और यहाँ पे आके ऐसे मिल रहा है, तो ये कनेक्टेड हो गया, यानी ये भी बायोस्फीयर में आता है कि एक वाटर बॉडी दूसरी बॉडी से मिल रही है, वाटर का फ्लो हो रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सारी लिविंग चीजें हमारी बायोस्फीयर में आती हैं। ठीक, ये सारी चीजें। और बायोस्फीयर में हमारा लिथोस्फीयर भी आता है। लिथोस्फीयर में क्या है, लिथोस्फीयर है ये हमारा मतलब कि हमने आपको कल पढ़ाया था क्या, अर्थ के
पार्ट्स बताए थे, क्रस्ट का लेयर बताया था हमने, अर्थ क्रस्ट हो गया, फिर हमारा आया था आउटर इनर एंड फिर कोर आया था, ठीक, आउटर मेंटल इनर मेंटल और कोर आया था, आउटर कोर और इनर कोर, तो ये हमारा मेंटल एरिया है। यहाँ पे लिखा भी है इंटीरियर हीट फ्लो, यानी इसमें हीट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब आप ले सकते हैं कि ये मेंटल एरिया है, ठीक। इसके ऊपर हमारा ये क्रस्ट है जहाँ पे लिथोस्फेयर यानी लैंड एरिया आपको शो किया गया है, तो यहाँ पे लैंड बॉडी लैंड लैंड्स एरिया में क्या है, वाटर बॉडी भी मिलती है, प्लांट्स भी मिलते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मिलते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। ये हमारा सन है, सोलर एनर्जी जो हर किसी को देता है, इसका सोलर एनर्जी तो रिक्वायरमेंट है ही, चाहे वेपोरेशन के लिए हो, चाहे बायोस्फीयर में हो, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर, सारी चीजों के लिए हमें सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, फोटोसिंथेसिस में भी, ठीक। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये भी शो किया क्या, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल आप देखते होंगे, जब ये रॉक अल्टरनेट बाय वेदर, यानी वेदर चेंज होता है तो हमारा रॉक अभी क्या कहते हैं चेंज होता रहता है। अब कैसे चेंज होता है, ये हमारा वोल्केनो प्रोसेस होता है, ठीक, जो हमने पिछले वीडियो में लगभग देखा था, क्या वोल्केनो एरप्शन होता है। जब वोल्केनो एरप्शन होता है तो वहाँ पे मोल्टन्स बाहर निकलते हैं, यानी मैग्मा के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक। तो वही क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसे एक एज अ रॉक, ये वहाँ पे जब ठंडे होते हैं ये हमारे मोल्टन रॉक्स, यानी मोल्टन यानी मैग्मा, जब वहाँ पे ठंडा होता है तब वो ऐसा रॉक बन जाता है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह वगैरह, ठीक, और बहुत सारे रॉक। तो वहाँ पर भी रिसाइकलिंग होती रहती है, रॉक की रिसाइकलिंग होती रहती है, यानी रॉक साइकिल ये चलता रहता है। वोल्केनो फटता है, रॉक का फॉर्मेशन होता है, फिर से वो टूटते हैं, नदी वदी के माध्यम से धीरे धीरे वहाँ का रॉक फ्लो होती है, साल बनता है, फिर सारी प्रोसेस यानी चलती रहती है। तो वहाँ पर भी रॉक साइकिल चलती रहती है, ठीक। तो हमारे इन्वायरमेंट का कंपोनेंट था क्या क्या, मेनली आप याद रखेंगे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। अभी सारी चीज़ें हम उसमें भी देखेंगे, किसमें, इसकी थ्योरी में। आप देख सकते हैं कि हमारा ये हमारा हो गया क्या एटमॉस्फेयर, ठीक, ये हो गया हमारा लिथोस्फेयर, ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फेयर। और जो ये पीच का, यानी तीनों चीजें जहाँ एटमॉस्फेयर का भी पार्ट है ये इतना, लिथोस्फेयर का भी पार्ट है इतना, और ये हाइड्रोस्फेयर का भी इतना पार्ट है, यानी ये जो जगह है यहाँ पे एटमॉस्फेयर का भी पार्ट है, लिथोस्फेयर का भी पार्ट है और हाइड्रोस्फेयर का भी पार्ट है। तो जो ये हमारा एरिया है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों मिल रहे हैं, तो ये तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है हमारा बायोस्फेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायोस्फेयर, ठीक, इस तरह से इसका ग्राफ आप मतलब इसको आप शो कर सकते हैं, ठीक, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर से मिलकर क्या बनता है हमारा बायोस्फेयर बनता है, और बाकी की चीजें हमने इसमें देखी, ठीक। तो हम अब थ्योरी में देखेंगे कि क्या है ये बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हमारा एनवायरमेंट क्या है, ठीक। तो ये आपकी हमारी थ्योरी, अब हम इसको पहले इसको हम एक बार रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में हम क्या देखते हैं। इट इज नोन एज द सराउंडिंग्स आर कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल आर प्लांट लिव्स आर ऑपरेट्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन ऑन द अर्थ, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। द इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू फोर स्फीयर्स, दे आर, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं ये क्या लिखा है, ठीक। ये कह रहा है इट इज नॉन एज द सराउंडिंग्स आर कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल आर प्लांट्स लिव्स आर ऑपरेट्स। ये बता रहे कि इन्वायरमेंट को नॉन एज द सराउंडिंग्स, इसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं, मतलब कह सकते हैं आर कंडीशन कह सकते हैं हम इसको, सराउंडिंग्स जो मतलब चारों तरफ से घिरा रहता है वो, या फिर कंडीशन कह सकते हैं, इन विच जिसमें पर्सन यानी ह्यूमन ले सकते हैं आप, एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल प्लांट्स पर्सन और ह्यूमन बींग्स में इसी में आते हैं, एनिमल यानी पर्सन, प्लांट्स लीव्स आर ऑपरेट्स, यानी ये आपस में ऑपरेट करते हैं या लीव करते हैं, यानी पर्सन एनिमल एंड प्लांट्स लीव्स यानी रहते हैं और ऑपरेट्स करते हैं, ठीक, संचालित करते हैं एक दूसरे में के साथ घुल मिल के रहते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऑपरेट्स कर सकते हैं, ठीक, वैसे मीनिंग इसके संचालित करना होता है, लेकिन कोई नहीं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका,
नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। कुछ नेचुरल है जैसे प्लांट्स हो गए और हमारी अर्थ क्रस्ट हो गई, अर्थ हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें नेचुरली हमने मतलब हमको पहले से ही प्राप्त है, नेचुरली हमको मिली हुई हैं। बाकी ह्यूमन मेड फिनोमेना क्या है, हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं और अपने हिसाब से गार्डन्स बना रहे हैं और बाकी अदर्स चीज़ें भी हम बना रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। फेनोमेनास हम भी ह्यूमन का भी इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में बहुत पड़ता है, जैसे आजकल पॉल्यूशन बहुत है तो ये ह्यूमन का ही इम्पैक्ट है, आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सफाई है कहीं, जैसे इंदौर हो गया, मध्य प्रदेश, यानी मतलब सफाई करना या गंदगी करना या फैक्ट्रीज लगाना, बिल्डिंग्स बनाना, पेड़ों की कटाई करना और भी सारे इम्पैक्ट्स ये ह्यूमन मेड में भी मतलब ह्यूमन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। किसमें? इन्वायरमेंट में। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है ये ह्यूमन पर भी डिपेंड करता है। बाकी नेचुरली तो जो हमें मिली थी वो मिली ही थी, लेकिन ह्यूमन भी इसमें बहुत मेन रोल अदा करता है या प्ले करता है। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन ऑन अर्थ, बल्कि आप देखें तो इन्वायरमेंट है जो वो रिफर करता है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन। बायोटिक क्या? हमारी लिविंग थिंग्स, जैसे हम लोग हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बायोटिक्स में आती है। एंड एबायोटिक कंडीशंस में आप ले सकते हैं सॉइल हो गया, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमारी चेयर हो गई, बेड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, रॉक्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो ये एबायोटिक के अंदर आते हैं और ये बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स बायोटिक और एबायोटिक जो है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि व्हाइल द, जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है हमारा वो रिफर्स करता है किसको? बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन ऑन अर्थ। नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा जो है वो पृथ्वी पर रिफर करता है किसको, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को। इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंट्रैक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन इन्वायरमेंट जो होता है वो रिवील्स करता है किसका? द एक्टिविटीज और क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन किसके बीच में? ह्यूमन बींग्स में। ये एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन को रिवील्स करता है। ठीक, रिवील्स का मतलब आप ले सकते हैं कि यानी हमें इन्वायरमेंट से पता चलता है। ठीक, रिवील्स, इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, यानी इन्वायरमेंट हमें क्या पता चलता है? इन्वायरमेंट से एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन ह्यूमन बींग्स अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में इंट्रैक्शन यानी आपस में इंट्रैक्शन, उनका क्रिएशन, एक्टिविटीज, सारी चीज़ें ये इन्वायरमेंट रिवील्स करता है, यानी इन्वायरमेंट से हमें पता चलता है। ठीक, कि इस इन्वायरमेंट कैसे लोग रहते हैं, वो मतलब कैसा कल्चर है उनका, क्रिएशंस क्या है उनकी, एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंट्रैक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर द इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू फोर स्फीयर्स। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ब्रॉडली किसमें? चार स्फीयर में डिवाइडेड है, जैसे कि हमने आपको मैप में बताया था। दे आर, पहला एटमोसफेयर, फिर ऐसे हम लिथोस्फेयर देखेंगे, आगे हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर भी देखेंगे। पहले हम एटमॉस्फेयर देखते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर को हम एयर स्फीयर भी कहते हैं। ठीक, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ व्हिच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स। ये क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ व्हिच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी एक ब्लैंकेट का मतलब आप कंबल ऐसे मान सकते हैं, लेकिन एक कंबल की तरह आप कह सकते हैं कि सराउंडिंग द अर्थ, पृथ्वी को चारों तरफ से एयर ने एक कंबल की तरह आप कह सकते हैं या फिर चारों तरफ से उसने घेर रखा है। ठीक है, सराउंडिंग्स, एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी अर्थ को पूरी तरह से एयर ने, हर जगह आप जानते होंगे कि अर्थ पे कहीं भी आप जाइए आपको एयर मिलेगा, तो आप वही यहाँ पे लिखा गया कि एयर चारों तरफ से पृथ्वी को सराउंड किया यानी घेरे हुए है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक, इसी वजह से इसको एयर स्फीयर भी कहा गया है, क्योंकि हमारी अर्थ भी गोल है तो चारों तरफ उसके एयर जब आएगा तो भी तो गोल ही तो गोल आएगा, वही लिखा है यहाँ पे एयर स्फीयर। ठीक, आगे क्या हमारा, एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर हमारा जो क्या है, ये मिक्सचर है किसका? डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह गैसेस की ये मिक्सचर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स, इसमें डस्ट पार्टिकल भी है और वाटर वेपर्स भी हैं। आप जानते होंगे रोज हमारी रोज चलती फिरती इस दुनिया में
कार वगैरह गाड़ी वाड़ी सब चलती रहती है, तो सॉइल के कुछ डस्ट पार्टिकल भी एयर में उड़ती रहती है, बहुत सारे डस्ट उड़ती रहती है, तो वो वहां पर लिखा गया क्या, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल हो गए, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गए और वाटर वेपर्स, जैसा कि हमने आपको दिखाया था वाटर बॉडीज से जब सनलाइट पड़ती है तो वेपराइज होके एनवायरमेंट में चले जाते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन करके वाटर में फिर से चले आते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वेपर के फॉर्म में जो वाटर जाता है वो भी तो एनवायरमेंट में रहता है, एयर में ह्यूमिडिटी के फॉर्म में मौजूद रहता है, तभी तो हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, तो वो भी क्या कहते हैं, पसीना भी सूख के कहाँ जाता है, एनवायरमेंट में ही जाता है। तो वाटर वेपर्स अब सी से भी वाटर जाता है और बहुत सारी जगह से भी वाटर जाता है, ठीक, एनवायरमेंट में। तो वहाँ पर लिखा है वाटर वेपर, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स भी हो गए। अब आते हैं लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या, हमारा लिथोस्फेयर को हम रॉक स्फीयर भी कहते हैं, ठीक, रॉक स्फीयर हो गया हमारे। द लिथोस्फेयर आर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज द सरफेस ऑन व्हिच वी कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज एंड इज मेड अप ऑफ टाइप ऑफ रॉक्स। ये क्या कह रहे हैं, द लिथोस्फेयर हमारी क्रस्ट यानी पृथ्वी गोल है, तो उस पर लिथोस्फेयर लैंड भी है, तो लैंड तो लैंड है तो उसी को कहा गया यहाँ पे लिथोस्फेयर, ठीक है, तो लिथोस्फेयर यानी रॉक भी स्फेयर फॉर्म में पाया जा रहा है। वैसे अर्थ में पूरी तरह रॉक ही नहीं है लेकिन रॉक भी है, वाटर सबसे ज्यादा है आप जानते होंगे, 29% लगभग हमारा लिथोस्फेयर है, लैंड एरिया है, ठीक। द लिथोस्फेयर आर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, कह रहे हैं लिथोस्फेयर जो हमारा है आर द क्रस्ट, लिथोस्फेयर को ही क्रस्ट कह रहे हैं जो हमारे अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। हमने आपको दिखाया था कि अपर मोस्ट लेयर हमारा क्या, क्रस्ट है, तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है। इट इज द सरफेस ऑन विच वी कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज एंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, ये हमारा इट इज द सरफेस, ये सरफेस है जहाँ पे हम सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं, यानी सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल जाते हैं, घर पे आते हैं, सारी चीज़ें हम यहीं पर करते हैं, पेड़ लगाते हैं, एंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, और ये किससे बनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से बनी हुई है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, आता है हमारा क्या, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर स्फीयर, ठीक, वाटर स्फीयर, हाइड्रोस्फीयर स्फीयर को। ऑल द वाटर बॉडीज सच एज ओशन, सीज, लेक्स, रिवर, फ्रोजन वाटर्स इन ग्लेशियर्स ईटीसी फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर, हमारे हाइड्रोस्फीयर को फॉर्म कौन करता है, फिर हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन किस किस चीज़ों से होता है, वो हमारी सभी वाटर बॉडीज, जितनी भी वाटर बॉडीज हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा ओशन हो गया, सीज हो गई, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, फ्रोजन वाटर ग्लेशियर्स में, इन ग्लेशियर्स में जो फ्रोजन वाटर होते हैं उससे, और ईटीसी आदि, मतलब सम अदर चीज़ें फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर को फॉर्म करती है, ठीक है, फॉर्म करती है। आगे क्या होता है हमारा, बायोस्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्फीयर। हमने आपको बताया था रिलेशन किसमें, एटमॉस्फेयर का, फिर ये हो गया क्या हमारा लिथोस्फेयर, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो ये पार्ट हमने जो रिलेशन में बताया था, तो ये हमारा क्या हो गया, बायोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या, एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट यानी एयर की जरूरत होती है लिथोस्फेयर रहने के लिए, लैंड की जरूरत होती है, और हाइड्रोस्फेयर वाटर की तो जरूरत होती है, तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारा क्या बनता है यहाँ पे, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर यहाँ पे इन तीनों चीजों को मिला के बन रहा है, तो वही चीज यहाँ पे कही है लाइफ स्फेयर, लाइफ के लिए ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तब बायोस्फेयर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर हमारा एक रीजन है, ठीक है। रीजन रीजन का मतलब आप एक एरिया ले सकते हैं, क्षेत्र ले सकते हैं। रीजन ऑफ द सरफेस, सरफेस का एक ऐसा क्षेत्र है, एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का, अर्थ सरफेस का, बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाइड बाई लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, जो अर्थ पे, मतलब जो सरफेस और एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाइड किया गया है किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, अर्थ पर यानी पृथ्वी पर। दिस इज ए स्मॉल रीजन
small region of interaction of air, water and land is where living organism survive. ये एक small zone है जहाँ पे interaction हुआ किसका, air का, water का and land का. ये land water and air इन तीनों को मिला के एक small zone बनाया गया है जहाँ पे मतलब इन तीनों के इंट्रक्शन से एक स्मॉल जोन का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे बायोस्फीयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है, रहते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस जोन, इसी जोन, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब इसी जोन की वजह से ऐसा हो रहा है. ये बात कही, लाइफ कैन एग्जिस्ट एंड फ्लोरिश, और इसी की वजह से ये लाइफ पॉसिबल हो पाई, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जीवन एग्जिस्ट करता है. एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश यानी से तो फलना फूलना हमारी पृथ्वी पर मतलब विकसित हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, विकास हो रहा है, और लाइफ है, एग्जिस्ट कर रही है और विकसित हो रही है, विकास हो रहा है इसका. प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिज्म लिव इन दिस स्फीयर, और इसी स्फीयर में, बायोस्फीयर में ही हमारे प्लांट्स रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं, एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं एंड ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी लिव करते हैं, जीते, खाते हैं, पीते हैं, ठीक, इसी स्फीयर में. ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसमें बायोस्फीयर में हमारी सारी नीड यानी जितनी भी जरूरत की चीज़ें होती है इन सभी की, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, ईटीसी की, तो इसमें मिल जाती है बायोस्फीयर में, ठीक. लैंड्स, वाटर एंड एयर, ये तीनों ही बहुत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे बायोस्फीयर में मिलती हैं, इसी वजह से हम इसको लाइफ स्फीयर कहते हैं, ठीक. तो इसी के साथ हमारी थ्योरी यहाँ पे एंड हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.